सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। शिव 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 शिव, बड़े दिनों के बाद हमारे पांडे खानदान में खुशी का अवसर आया है। हे ईश्वर, इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। शिव 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 शिव। नाम क्या लिखना है मैम हाथ पे? विकी, विकी लिखना है विद कैपिटल वी। I love you. अब विकी नहीं, सिर्फ वी। जब हाथ की लकीरों में वी है तो पूरा नाम लिखने की क्या जरूरत है? वाह, क्या बात कही है। एक काम करो, मेरे हाथ में भी ना सिर्फ एम लिखना। आज से मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ एक ही नाम होगा, एम। एम फॉर माया। वी फॉर विनायक। मेरे हाथों में सिर्फ और सिर्फ विनायक का नाम होगा अगले 7 जन्मों के लिए। विनायक के सिवा कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता, ना हाथ की मेहंदी में और ना हमारे हाथों की लकीरों में। हमारी शादी सिर्फ विनायक से होगी। और बेवकूफ तू खुद हमसे अपना रिश्ता तोड़ लेगा। क्या करें, प्लान ही कुछ ऐसा बनाया है हमने। पंडित जी। प्रणाम ददिया। आइए आइए पंडित जी, आइए आइए। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपकी प्रतीक्षा हो रही थी, बैठिए बैठिए। बुआ, ये नए पंडित जी कौन? हाय हाय चिक्की, तू बहुत छोटी थी तब आया करते थे ये। अरे ये हमारे खानदानी पंडित है और माँ को तो इनपे बहुत ही भरोसा है। अरे कौड़ियों की माहिर हैं ये। कौड़ियों से ऐसी बिसात बिछाते हैं कि इंसान का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। ये हमारी बहू सिद्धि की बहन है, इसका विवाह होने जा रहा है। जरा देखकर बताइए पंडित जी कि हमारे घर में इसकी विवाह के समय सब कुछ शुभ ही रहेगा ना? जी ददिया। पंडित जी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी सिद्धि। इस घर में सबसे पवित्र आत्मा इस लड़की की है। इस लाल कौड़ी का इसके पास जाकर रुकना इस बात का संकेत है, इसकी पवित्र आत्मा की शक्ति और इसकी भक्ति ने ही इस घर को बुरे साये से बचाकर रखा हुआ है। बेटा, तुम ही वो शक्ति हो जो इस घर को बुराई से लड़ने और हर बुरे साये से बचाने की क्षमता रखती हो, और इसके लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। बेटा, ये कौड़ियां अपने पास रखो, ये तुम्हें हर बुराई से लड़ने की शक्ति देगा और तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। सदा सुहागन रहो। ददिया, समय सही नहीं है,
पंडित जी आप सतर्क रहिएगा और अपनी आंख और कान खुले रखिएगा। मैं चलता हूं, प्रणाम जी। शिव 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 शिव। एक मिनट सिद्धि, वो शादी तो हमारी हो रही है ना, तो इन कौड़ियों की जरूरत तुमसे ज्यादा तो हमें है ना? ठीक है माया, वैसे भी जो सिद्धि का है माया का भी है। कान्हा जी करे ये पवित्र कौड़ियां तुझे हर दुख हर बुरी नजर से बचा के रखे। नहीं बहू, विवाह के पहले ये सब ठीक था, अब जिसका जो है वो उसी का रहेगा। ध्यान से सुन, दूसरों की खुशियों को छीन कर स्वयं को खुश रखना, ये आदत इंसान को पतन की तरफ लेकर जाता है। तो अपनी बहन की खुशियों को छीनना, ये जो तुम्हारी आदत है ना, इसको बदल लो। सिद्धि, जीवन ना अनगिनत आश्चर्यों से भरा हुआ है। दूसरों पर आंख बूंद कर विश्वास करना, तुम अपनी ये आदत बदल लो और अपनी खुशियों पर ध्यान दो। अब से जिसका जो है वो उसी का रहेगा। सिद्धि, अगर जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखो, समझी? स्टार्ट होने जा रहा है माया और विक्की की संगीत सेरेमनी में धमाकेदार डांस परफॉर्मेंसेस। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी उस एक कपल को जिनका प्यार हम सबके लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा है, विनायक भाई एंड सिद्धि भाभी। शर्माती बहुत हो तुम। वैसे मुझे शर्माने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। विनायक भाई तो यहाँ है, पर तुम्हारी सिद्धि भाभी कहाँ है? इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म तुझसे शुरू सावन भी तू
इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी विनायक। सिद्धि तू चाहे कितना भी नचा ले उसे अपने इशारों पर वो मेरा होके ही रहेगा। इस धुएं में मिली एक खास नशे की गैस अब इन सब को नशे में लाएगी। क्या बात है अशोक जी, आप नाच नहीं रहे? नाचना नहीं आता या फिर शर्मा रही है? छोड़ो छोड़ो दोनों। मायने विनायक हमारा विनायक विनायक कब से माया की सुंदर काया पर मेरी नजर थी। आज मेरा सपना पूरा होगा। आज हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं आप? माया, माया कहाँ?
खत्म हुआ तुम्हारा इंतजार, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा। माया, माया, कहीं माया ऊपर वाले कमरे में तो नहीं है? लाइट कैसे ऑफ हुई? किसने किया ये लाइट ऑफ? माया, कौन है? आपने पूछा कौन है? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? अंधेरे में इस इंसान का चेहरा नहीं दिखा, पर ये बटन किसका होगा? अशोक अंक, विकी एक मिनट इधर आ, कब आता? आजा, चल चल चल। रुक जाए अंकल। कहीं इस लड़की ने मेरा चेहरा देख तो नहीं लिया? संगीत को बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हाँ अंकल, अचानक क्या हो गया? हम लोग जा क्यों रहे हैं ऐसे? क्या हो क्या रहा है यहाँ? ये अशोक जी, आपको क्या हुआ? आप इतने बौखलाए हुए, घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? हम बताते हैं दत्त, ये एक नंबर के घटिया और गिरे हुए इंसान है। बल्कि इन्हें इंसान कहना इंसानियत के नाम पे तमाचा है। बुरी नजर है इनकी माया पे। जबरदस्ती करने की कोशिश की इन्होंने माया के साथ। सिटी, होश में तो हैं आप? हम तो होश में हैं विकी, लेकिन इन्होंने आप सबको और माया को बेहोश करके मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ हम पानी में गिरने की वजह से होश में आ गए। एक मिनट बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अशोक जी माया के होने वाले ससुर हैं, उन पर इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास इस बात का? प्रमाण है दत्त, अशोक अंक, आपके कोट का बटन कैसे टूटा? बताइए सबको, कहाँ है इस कोट का बटन? वो बटन है मतलब कहीं? हम बताते, यहाँ है वो बटन। अब आगे की बात आप खुद बताएंगे या हम सबको बताएं? इसे तो मैं बताता हूं। अरे तू डेट करेगा। भाग कहां रहा है कमीने, धूर्त, पापी? शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? दंड तो मिलेगा, अभी के अभी मिलेगा। सिद्धि, माया, ये आदमी
तुम दोनों का दोषी है। इसका दंड भी तुम दोनों ही निर्धारित करोगे। बस इतना याद रखना, ऐसा कठिन दंड देना कि ये आदमी ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में दोबारा सोच भी ना सके। आप चिंता मत कीजिए दत्यू, इन्हें सबक सिखाने का इंतजाम हम पहले ही कर चुके हैं। लता जी, ममता जी, आइए। फेंकिए ये लाल मिर्च इस गुनेगार के चेहरे पर। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ए, हिलना नहीं, हिलना नहीं। छोड़ो, कोई नहीं हिलेगा। चुप। किसी ने भी कदम बढ़ाया ना तो इस लड़की की जान ले लूंगा, काट दूंगा गला इसका। चुप। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.